स्किजोफ्रेनिया के बारे में एक प्राथमिक जानकारी देने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया हुआ है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि स्किजोफ्रेनिया के बारे में एकदम सिंपल, छोटी सी सिंपल भाषा में हमको जानकारी दो, तो इसलिए वीडियो का आयोजन है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत ही हमारा मिशन है। स्किजोफ्रेनिया मतलब हमारे भाषा में हम बोल सकते हैं पागलपन। ये ऐसी एक बीमारी है मन की कि उसको मन का कैंसर भी कहा जाता है। लाइफ टाइम में, जनरल आबादी में लाइफ टाइम में 100 में 1 व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। 100 में 1 बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा है। और पुरुषों में महिलाओं से ज़्यादा बीमारी दिखाई देती है, और उम्र के 20 से 30 साल ये उम्र में इसकी शुरुआत होने के ज़्यादा चांसेस है। इसमें होता क्या है कि वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी सारे आवाज़ सुनाई आते हैं, जब कोई आसपास में नहीं है तभी भी उसको अंदर से आवाज़ आती है, बाहर से आवाज़ आती है, और उसको लगता है कि कोई तो भी उससे बातचीत कर रहा है, कॉमेंट्री कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है, ऐसा उसको लगता है, और वो आवाज़ उसको कान में सुनाई आती है। बाकी लोग उसका मन पढ़ रहे हैं, ये भी जो भी सोच रहा है वो बाकी लोग उसका मन पढ़ रहे हैं ऐसा उसको लगता है। बाकी लोग उसके विचार पढ़ रहे हैं, उसके विचारों में क्या चलो मालूम होता है। बाकी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी लोग उसको मारने की साजिश कर रहे हैं ऐसा उसको लगता है। उसका जो संवाद है वो बहुत ही इररिलेवेंट रहता है, मतलब समझ में नहीं आता। कभी कभी बात करता तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कनेक्शन नहीं रहता, काफ़ी डरा हुआ रहता है। ये सब ये जो लक्षण है इसकी वजह से काफ़ी डरा हुआ रहता है, और फिर वो अकेला रहना पसंद करता है। इसमें 33% लोग अच्छे हो सकते हैं, ठीक समय पे दवाई दिया तो, और बाकी लोग दवाई से फिर मेंटेन हो सकते हैं, दवाई से ठीक ठाक रह सकते हैं, उनका जीवन बिता सकते हैं, मगर 33% लोग तो पूरे अच्छे हो सकते हैं। अभी वैज्ञानिक लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं बहुत भारी मात्रा में। जीन्स के ऊपर रिसर्च चालू है, ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसके इमेजेस के ऊपर रिसर्च चालू है, कारण ढूंढने की कोशिश चालू है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्यों हो रहा है। फिर दवाइयाँ भी नई नई निकल रही है, तो इससे ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट उसका जीवन अच्छा जी सकता है। ज़रूरत है कि जल्दी से जल्द उसको डॉक्टर की तरफ लाने की। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस तब होता है कि जब 6 महीने तक ये ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं एक तरीके, तो अपन बोलते हैं कि भाई वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। जल्दी इलाज कर दिया तो वो उसका जीवन काफ़ी नॉर्मल सा जीवन जी सकता है वो। तो इसलिए मैं मतलब जब 100 में 1 है, 100 में 1 लोगों को ये हो सकती बीमारी, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मालूमात होंगी, लोग जल्दी इलाज करेंगे और अपना जीवन आनंद से जिएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।